मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आप सोच रहे होंगे यार ये कहाँ पे निकल गया, पता नहीं ये रेल की ट्रैक्स दिख रही है आपको. बस एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि कैसे भी करके आऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे इसका नाम सुना है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक. और ऐसा था ना कि जैसे एक कोई अगर पोस्ट लाइक करो ना तो वो पोस्ट आपके सामने बार बार आता ही रहता है. तो सोचा कि इस बार यहाँ पर ट्राई कर ही दूँ. मुश्किल लग रहा था क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ पर जाना एक्चुअली बंद हो गया है, बट ये एक जुगाड़ कर रहे हैं जो हम लोग, उसके थ्रू से मैं जा रहा हूँ. अब देखते हैं वहाँ पे आगे जाके क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अंधेरा हो रहा है और बहुत जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना है. तो वहाँ पे जाके मैं जल्दी से आपको कॉल करता हूँ वहाँ पे जाके आपको मैं वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ. तब तक आप गेस करते रहे कि कौन सी लोकेशन हो सकती है. ठीक है, चलो. सोचा था कि बता दूँ, बट सोचा कि थोड़ा सस्पेंस करते हैं और शायद से ये ट्रैक्स और ये पेवमेंट साइड के देख के शायद आपको थोड़ा बहुत तो लगभग अंदाज़ा आ गया होता कि कहाँ पर जा रहा हूँ. बट ऑब्वियस है काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया होगा, बट फिर भी आप देख लो और थोड़ी देर में आपको मैं वो चीज़ दिखाता हूँ. ठीक है. हेलो गाइस, अब तक आपने अंदाजा लगा ही होगा मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ. आवाज़ तो सुन ही रहे हो, कि बस ये आवाज़ नहीं हो, बस वो म्यूज़िक है जो सब चाहते हैं यहाँ पे आने के लिए. आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट. ये देखिए, 1 2 3 दूधसागर वाटरफॉल. दिस इज़ द प्लेस आई ऑलवेज वॉन्टेड टू कम हियर, बट देन ड्यू टू सम रीज़न आई कुड नॉट कम. बट फाइनली यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है. लगा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि कल भी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, मेरा नेक पेन, हेड एक बहुत तरह की थी. तो मुझे लगा नहीं था कि मेरे को आने को मिलेगा, लगता है नेक्स्ट टाइम ही आ पाऊँगा, बट समाओ मैंने. तो तब तक आप देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये. जगह है जहाँ पे जीप आती है अंदर तक और थोड़ा सा ट्रैकिंग करना पड़ता है, बट वो जो पूल जैसा दिख रहा है वो स्पॉट जो है वहाँ पे लाइफ जैकेट आपको मिलते हैं, तो यू कैन एंजॉय दे. बट फिलहाल तो वो रोड बंद है, अगर आपको जंगल ट्रैकिंग करना है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए मैं यहाँ पे रेलवे ट्रैक के लिए आऊँ, क्योंकि बिकॉज आई कुड सी बोथ द थिंग्स, और मुझे हमेशा अट्रैक्शन था ये रेलवे ट्रैक के लिए. सो दिस इज़ वंडरफुल. यहाँ पे नीचे आया हूँ, बारिश गिर रही है तो इसलिए मौका नहीं मिला, इसलिए जल्दी जल्दी नीचे आऊँगा. बारिश कम हो गई है, मोबाइल बिग रहा है, मेरे मोबाइल की पहले से ही लग चुकी है. तो जल्दी से आपको दिखाता हूँ, ये बॉटम ऑफ द वाटरफॉल है, इसके नीचे हम जमीन जा सकते हैं. देखना है कितना ह्यूज है, दिख रहा है ऊपर से आ रहा है, बहुत मस्त है यार. मतलब ये पानी देख के लग रहा है ना कि बस यहीं पर रुक जाओ, बट यहाँ पर कोई जगह है नहीं कि हम रुक सकते हैं, कुछ कर सकते हैं. बस यहाँ पर देखो, फोटो ले लो, अपलोड कर दो, बस निकल जाओ जल्दी से, क्योंकि अंधेरा होने वाला है, क्लाइमेट ख़राब है, तो आपको टाइम पे होटल पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, बाकी की डेट तक मैं बाकी बढ़ाता हूँ. चलो बाय. जब रिटर्न आया तो मुझे ब्लॉग क्लोज करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था, बारिश गिरने लग गई थी, तो हमको वहाँ से भागना पड़ा. और प्लस जो वहाँ से जो रिटर्न ट्रेन थी, हम लोग की जो इंजन की लोको शेड थे जिसका वीडियो आपने देखा होगा, वो बहुत जल्दी आ गई थी. एक्चुअली उसका टाइम था 7 o'clock, पर वो 6:15 बजे आग धमकी, तो हमको वहाँ से भागना पड़ा. और अच्छा हुआ कि सब कुछ मैंने शॉट्स ले लिए थे, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मैंने मिस आउट कर दिया. बस थोड़ी देर वहाँ पर बैठना था, वो मुझे बैठना नहीं मिला. डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगा तो वहाँ पर मैं ज़रूर रुकूँगा और थोड़ा वहाँ का फील ले लूँगा.
अच्छा तो ये ब्लॉग मैं अभी यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। द रीज़न वाई एम क्लोजिंग इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है जहाँ पे था, जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी, थोड़ा सिक्लूडेड है बट अच्छा है और न्यू प्रॉपर्टी है। और इसके डिटेल्स मैं आपको कॉन्टैक्ट्स जो भी होगा शेयर कर दूंगा। और अगर आपको दूधसागर जाना है तो यहाँ पे किसी एक बंदा है, उसका नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, आप उससे बात कर लीजिएगा। वो काफ़ी ट्रस्टेड है, आप वहाँ पे जाओगे तो बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे आपको लेके जाएंगे। बट क्या होता है कि वहाँ पे जाने के बाद में फिर वो छोड़ देते हैं, मतलब भूल जाते हैं, फिर आप वहाँ पे आके लॉस्ट हो जाते हो, फिर रिटर्न आने की प्रॉब्लम, जाने की प्रॉब्लम। तो उससे अच्छा है कि आप होटल से किसी कॉन्टैक्ट करोगे, ये होटल या किसी भी होटल से कॉन्टैक्ट करो और वहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट से जाओ तो बेटर होगा, ठीक है। और रीज़न ये है कि आपको और एक चीज़ दिखाना था, ये यहाँ का व्यू जो कल मैंने आपको शेयर भी किया था, ये देख लीजिए पूरा फील्ड इनका ही है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये यहाँ का एंट्रेंस है, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था आपको। और ये व्यू है, ये होटल है और ये मेरा टाइगर है, बस इतना ही चीज़ दिखाना था। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर। ऐसे करने से थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा फील होता है, मतलब थोड़ा सा एफर्ट्स जो भी डालते हैं वो थोड़ा सा अप्रिशिएटेड हो जाता है, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय, सी यू।